जयकारा पौन हारिदा बोल साचे दरबार की जय। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी गाइस? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो देखिए आज मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे अभी लिया है होटल, ये रहा ग्रीन वैली होटल। तो आज मैं पहुँच गई हूँ द्योरसिद सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के दरबार में। यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं बाबा जी के, और मैं और मेरे पति देव आए हैं साथ में। तो गाड़ी भी हमने यहाँ पर लगा ली है, और जो है अभी हम शाम के ही टाइम से निकले थे घर से, तो सॉरी हम दिन के टाइम निकल गए थे। यहाँ पे हम अभी पहुँचे, 5 बजे पहुँच गए थे। तो अभी थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो गए, ऊपर जा रहे हैं गुफा, जहाँ पे बाबा जी की गुफा है ना, वहाँ पे दर्शन करेंगे सबसे पहले। होटल जो है हमने जो शहद तलाई को जाने वाला रास्ता है वहाँ पर लिया है। तो अभी तो बहुत एक्साइटेड हूँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। गाड़ी में तो बैठ गई गाइस, बट गर्मी भी है तो कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे एक शॉप है सोडा की, अंकल को बोल दिया कि एक सोडा बना दो आप, फिर चलते हैं। चलिए, अभी ठंडक पड़ गई थोड़ी सी। बाबा बालकनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दूर से मंदिर का व्यू सड़क के पास में से कुछ ऐसा लगता है, बहुत ही प्यारा सा। तो गाइस, भैया जी की शॉप से हमने प्रसाद लिया बाबा जी के लिए, रोटी, थोड़ी सी धूप वगैरह यहीं से। तो थोड़ा ऊपर चल के इनकी शॉप है, बंदर काफ़ी है, ये बोल रहे स्टिक ले जाओ अपने साथ, तो प्रसाद लिया होता है तो वो आ जाते हैं फिर एकदम से। बाकी चलिए चलते हैं अभी ऊपर और बाबा जी के दर्शन करते हैं। बाबा जी के दर्शन करके आगे गाइस बहुत सुकून मिला सच में,
और अभी भूख भी लगी है जो रुकी, तो सबसे पहले खाएंगे खाना, उसके बाद चलेंगे फिर अपने रूम। कि जब हम घर से निकले थे आज गाइस, तो हमने सोचा था कि आज हमें पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा, तो हम रूम लेंगे और रेस्ट करेंगे, फिर कल बढ़िया दर्शन करेंगे। बट देखिए आज हमें जल्दी भी पहुंच गए, रूम ले लिया हमने, उसके बाद हम दर्शन करने भी निकल गए और वहाँ पर पहुँचे तो आरती का टाइम भी हो रखा था, तो आज ही हमारी किस्मत में लिखा था। और चलिए किस्मत भी बढ़िया रही कि हमें आज बाबा जी की आरती में शामिल होने का मौका मिला, तो सच में किस्मत वाले हैं हम। बाकी मज़ा आया काफ़ी। चलिए पहुंच गए अभी हम अपने होटल में, गाड़ी लगाते हैं यहाँ पे और चलते हैं अंदर रूम। गुड मॉर्निंग गाइज, बहुत ही प्यारी सी सुबह हो गई है और अभी टाइम हो चुका है होटल से चेकआउट करने का, तो जो कि हम कर ही रहे हैं। और अभी जो है हम जाने वाले हैं शहतलाई, जहाँ पे कि आपको पता ही होगा माँ रत्नों ने रोट वगैरह निकाले थे बाबा जी ने, वहाँ पे चिमटा मार के रोट लस्सी, तो वहाँ पे जाएंगे दर्शन करने अभी। और बाहर आई हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, पर चलिए मौसम बढ़िया है, बरसात का टाइम भी है तो बारिश भी लगी है तो गर्मी भी इतनी फील नहीं होती। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट भी करेंगे आगे चल के, फिर चलेंगे शहतलाई दर्शन करने। जयकारा पौन हरिदा, बोल साचे दरबार की जय। बाबा जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, शहतलाई चले। चलो चलते हैं शहतलाई। चलो चलो। इधर गाड़ी लगाने को जगह नहीं थी गाइस, तो गाड़ी जो है हमने यहाँ पे लगा दी, बाकी थोड़ा सा पैदल चलने को भी है, चलते हैं अभी। हल्का फुल्का खा लिया गाइस, बाकी खाना हम बाद में ही खाएंगे, तो चलिए बाकी आपको भी दर्शन करवाते हैं। शहतलाई में एंटर करते ही सबसे पहले बाबा जी की मूर्ति है यहाँ पर, इसके दर्शन किए और साथ में ही जगा हुआ है बाबा जी का धुना। हमारे जो सिद्ध बाबा बालकनाथ है ना, उनकी महिमा की जितनी बात करी जाए वो बहुत कम है, इनकी बहुत चमत्कार है। ये वाला जो है गाइस, ये लस्सी वाला स्थान है, पीछे सिर्फ रोटियों वाला था, मैंने सोचा उधर ही लस्सी का भी होगा। यहाँ पे बाबा जी ने चिमटा मार के लस्सी निकाली थी और पीछे रोटियाँ, पीछे में बाबा जी थी। ये गाइस अंदर दर्शन करके हम आ गए और मैंने आपको भी करवाया। चलिए वीडियो बनाने से ऐसा भी होता है कि मेरे अकेले नहीं, मेरे थ्रू बहुत लोग दर्शन कर लेंगे, है ना, तो एक फ़ायदा तो वैसे भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। बाकी चलिए चलते हैं आगे। शहतलाई से जो एक रास्ता जाता है वहाँ पे हमने पूछा किसी से, यहाँ पे जो है एक चरण गंगा का स्थान भी है जहाँ पर कि लोग स्नान करते हैं। एक आंटी जी से पूछा हमने, उन्होंने बताया हमें एक चरण गंगा है और एक शिव बॉडी है, जो कि शिव बॉडी तो 2-3 किलोमीटर दूर है शायद यहाँ से,
बट जो चरण गंगा है वहाँ पे बोला कि वहाँ पे भी जाते हैं, स्नान करते हैं, बट आजकल बरसात का टाइम है जिस कारण कि वहाँ पे शायद नहीं करने दिया जाता होगा। बट जा रहे, हम पहले भी आए थे बट इन दो जगह हमने नहीं देखी थी, पर चलिए आज इधर के दर्शन भी करके आते हैं। ये रास्ता जो है ये शिव बाड़ी जाने का रास्ता है, ये देखिए सामने लिखा भी है। हे गाइस, अभी हम शिव बाड़ी, पसीना ही पसीना। तो नीचे बोर्ड जो लगा था वो पैदल जाने वाला रास्ता था, जहाँ से पूरी चढ़ाई थी, पैड़ियाँ थी, कोई 1 किलोमीटर। हमने सोचा कि ये आ गया, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, पर चलिए कोई नहीं, थोड़ी सी पैदल यात्रा करके अभी हम पहुँच गए हैं, दर्शन करके आते हैं। ये रहा गाइस मंदिर, शिव मंदिर बछरेटू। और ये रही गाइस यहाँ पे बाउडी, यहाँ पे पीने के पानी के लिए, ये नहाने का शायद अंदर होगा। तो यहाँ पे गाइस हम दोनों ने स्नान कर लिया। यहाँ पे मैंने एक आंटी जी को पूछा, उन्होंने बोला कि यहाँ की एक ऐसी कहानी है, एक बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने तपस्या करी थी और ये बाड़ी का पानी निकाला था। जैसा हरिद्वार का पानी है सेम वैसे ये भी पानी है, तो यहाँ से स्नान भी करते हैं। पीने का ये है बावड़ी यहाँ पे, और नहाने के लिए पीछे है, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। तो चलिए, इधर आए थे जिस काम के लिए वो भी हो गया, यहाँ दर्शन भी कर लिए, स्नान भी कर लिए, गंगा जल पी भी लिया, और लेकर भी जा रहे हैं कैनू में भर के। तो निकलेंगे अभी यहाँ से। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...